भारतीय जनता पार्टी का ओवैसी पर पलटवार। स्तर अब ऐसा हो गया है कि दोनों एक दूसरे को न जाने क्या क्या कह रहे हैं। आइए सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी की एक रैली के अंश, जहां बुलडोजर, गुंडागर्दी और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। वो तुमको कौन बचाएगा, मैं ये कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के उन लोगों से जो ओवैसी के सामने खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, उनको ये कहना चाहता हूं मैं, ये ओवैसी तो हैदराबाद चला जाएगा, तब तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में गुंडागर्दी मत करने लग जाना। इस ओवैसी के चक्कर में अगर गुंडा बनने की कोशिश की तो योगी जी के लत से तुमको कौन बचाएगा। इस ओवैसी के चक्कर में अगर सड़कें जाम करने की कोशिश की तो योगी बाबा के बुलडोजर से तुमको कौन बचाएगा। और अगर किसी को अभी समझना आया हो तो जाके मुख्तार अंसारी से पूछ लेना, जाके आजम खान से पूछ लेना, ये मोदी का और योगी का भारत है। यहाँ पे ओवैसी तो चला जाएगा अपने बिल में हैदराबाद में, यहाँ अगर गुंडागर्दी करने की कोई गलत फहमी पाल ली तो तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला इस उत्तर प्रदेश की धरती में। बचा सकता है क्या कोई? ऐसी गलत फहमी पालो ना कि बुलडोजर बाबा के बुलडोजर हर चौक चौराहे पे तैयार खड़े हैं गुंडों के लिए, और अभी अगले 5 साल भी चलने हैं। कोई मन में गलत फहमी मत पाल लेना, अभी अगले 5 साल भी यही बुलडोजर चलना है। अभी तो 300 सीट वाला चल रहा था, अभी जनवरी के बाद सिर्फ 350 सीट वाला बुलडोजर चलेगा तुम्हारे ऊपर।